मैं डीके सिन्हा आप सभी को आपके इस अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीक की समाप्ति हो गई 12 जनवरी 2024 को। अब नया वीक आने वाला है, तो अगर हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वीक में एक बार आने वाले वीक के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि हमारा मार्केट के प्रति स्टैंस जो है वो क्लियर रह सके। तो इस वीडियो में हम पिछले वीक में भारतीय शेयर बाजार में किस तरह से परफॉर्म किया, उसके मेजर सेक्टर्स का आउटलुक क्या है लास्ट वीक का, और उसके अलावा चेक करेंगे कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसा रहा। तो उसके लिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जैसे मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं, उसको चेक करेंगे, और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को समझेंगे, और मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जिसे शायद मार्केट आने वाले वीक में रिस्पेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। पिछले वीक में भारतीय शेयर बाजार में अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखें तो बड़ा मिक्स्ड टाइप का परफॉर्मेंस रहा। फाइनेंशियल्स वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.99% से उसमें गिरावट दर्ज की गई। वहीं आईटी सेक्टर एक स्टार परफॉर्मर था और उसमें तेजी देखी गई 4.79% की। एफएमसीजी सेक्टर डाउन था 2.05% से। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी देखी गई 2.56% से। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में गिरावट थी 0.8% से, और स्मॉल कैप इंडेक्स 50 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो 1.06% से तेजी में रहा। तो ये देखिए, चार सेक्टर जो हमने आपको बताए, फाइनेंशियल्स, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ये निफ्टी 50 में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इनका वेटेज करीब ओवर 70% है टोटल इंडेक्स का। अब समझते हैं कि पिछले वीक में फ्रंटलाइन इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी 50 में तेजी देखी गई 0.85% से वीक ऑन वीक बेसिस पे। वहीं बैंक निफ्टी में गिरावट देखी गई 0.93% से। तो ये क्लियर है कि लास्ट वीक में निफ्टी 50 ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अब बैंक निफ्टी के दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में गिरावट थी 0.76% की पिछले वीक में। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में तेजी देखी गई, ऑफ कोर्स ये तेजी मार्जिनली थी, बट ये इंडेक्स अप रहा 0.38% से। तो लास्ट वीक में मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा रहा, फियर एंड ग्रीड जो है वो क्या हमें इंडिकेट करते हैं मार्केट में पिछले वीक में। हम सभी जानते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स या मार्केट मूड इंडेक्स हमेशा ऑसिलेट करते हैं एक्सट्रीम फियर जोन से एक्सट्रीम ग्रीड जोन के बीच में। तो प्रायर वीक में मार्केट मूड इंडेक्स की जो रीडिंग थी वो थी 70.07। आपने पिछले वीक के स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस को देखा होगा, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन जब मार्केट समाप्त हुआ पिछले वीक में 12 जनवरी 2024 को, तो ये इसमें गिरावट दर्ज की गई और इसकी रीडिंग थी 60.87। तो इसका मतलब पिछले एक वीक में मार्केट के सेंटीमेंट्स में थोड़ा निगेटिव परिवर्तन आया है, क्योंकि मार्केट पहले एक्सट्रीम ग्रीड जोन में था, अब वो आ गया है ग्रीड जोन में। क्योंकि मार्केट में जैसा मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखा गया है, उस कारण से ये इंपैक्ट देखा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट में, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की
टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। विलिंग टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट? जॉइन डीकेज डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप फॉर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। लर्न स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। Join now and attend our weekly meetings every Sunday. तो टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के प्राइस चार्ट से। ये वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है निफ्टी 50 का, और लास्ट वीक में जब मार्केट क्लोज हुआ तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग प्राइस थी 21,894.55। सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि इस इंपल्सिव वेव को ध्यान से देखें। इस मेजर करेक्शन के बाद एक सिंगल इंपल्सिव वेव है दोस्तों, केवल इस जगह पे एक टाइम करेक्शन देखा गया, इस जगह पे एक टाइम करेक्शन देखा गया प्रायर वीक में। इसका तात्पर्य क्या है कि भारतीय शेयर बाजार एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ। तो जो भी करेक्शन इस तरह के मार्केट में होते हैं, मैं कई बार इस चैनल में बोलते आ रहा हूं, लाइव स्ट्रीम में भी इस बात को मैंने जोर दिया है कि करेक्शन जो होंगे वो शैलो पुलबैक होंगे या फिर टाइम करेक्शन होगा, जिसे कंसोलिडेशन हम बोलते हैं। और वैसे ही कुछ मार्केट में ये नजर आ रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब यहाँ पे गौर से देखें, मैं कुछ ड्रॉइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। तो यहां पर देखिए, ये राइजिंग वेज, प्राइस का रेजिस्टेंस, ये था प्राइस का सपोर्ट। तो ये राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ था यहां पर, ये ब्रेक अवे गैप के साथ में हुआ था, तो इसीलिए फिलहाल इस गैप के फिल होने के चांस नहीं है, क्योंकि जब ये ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ था तो वॉल्यूम में मासिव सर्ज था और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से भी अधिक था। तो अगर यहां पर देखें तो प्राइस कर क्या रही है, ये यहां पर प्राइस ने स्ट्रगल किया अपसाइड जाने पे, यहां पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये लेवल अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन के आधार पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को समझने की कोशिश करें। तो पहले तो लास्ट वीक में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां पर देखिए बुलिश फ्लैग का ये ब्रेकआउट हुआ और कैंडल कैसी बनी, बुलिश किकर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 21,500 एक मेजर सपोर्ट है। लेकिन आने वाले वीक में यहां देखिए, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ है और वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ है और वो भी बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में हुआ है। तो 21,700 से, टू बी वेरी प्रिसाइज, 21,778, ये कहां से निकला, इस कैंडल का फाइनल वर्डिक्ट था। तो ये अब डिमांड जोन के रूप में एक्ट करने की संभावना है, ऑफ कोर्स एक मेजर सपोर्ट 21,500 पर है। अब अपसाइड की बात करें तो सिंस ऑल टाइम हाई पे निफ्टी 50 ट्रेड हो रहा है, तो प्राइस एक्शन के आधार पे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो वेव एनालिसिस करते हैं, अगर हम इस बुलिश फ्लैग का टारगेट निकाले तो अगला टारगेट आता है 22,053 और उसके बाद आता है 22,400। तो क्या आने वाले वीक में निफ्टी एक नया लैंडमार्क साबित करेगा और 22,000 के लेवल को टच करेगा, तो संभावना तो नजर आ रही है। फिर तो ये मार्केट है, करने को ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि निफ्टी अनदर लैंडमार्क को टच कर सकता है, 22,000 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है इस बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के अनुसार। तो आने वाले वीक में 22,053 का लेवल निकल रहा है, 22,100 पकड़ते हैं इसको और 22,400 ये एक सप्लाई जोन है जहां प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी और एक करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट वीक के वॉल्यूम में एक सब्सटेंशियल सर्ज था, पिछले चार दिनों के एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम अधिक था, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन भी रहा है जब ये बुलिश किकर का निर्माण हुआ है। एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें
तो आरएसआई टिपिकली बुल मार्केट में जैसा बिहेव करता है वैसे ही कुछ बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। यहां हमने एमडीआरपी देखा और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक दर्शा रहा है, तो मोमेंटम भी अच्छा है मार्केट में। इसके अलावा फोर्स इंडेक्स को देखें तो फोर्स इंडेक्स भी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम रेफर कर रहे हैं बैंक निफ्टी के वीकली प्राइस चार्ट को और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट वीक में जो हुई 47,709.8 पर हुई और इस तरह से बैंक निफ्टी बेरिश टेरिटरी में क्लोज हुआ। बेरिश टेरिटरी तो नहीं बोलेंगे, बेरिश क्लोज हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.93% से। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 से। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल पे बार बार स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी अपसाइड जाने में, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास में है। लेकिन अगर लास्ट वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो एक लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन है। इसका मतलब करेक्शन हुआ, बेयर्स ने भरपूर कोशिश की प्राइस को नीचे लाने में, लेकिन अल्टीमेटली बुल्स एक्शन में आए और प्राइस को रिकवर करके ले गए और इसलिए लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन हुआ। बैंक निफ्टी में भी देखिए ये एक इंपल्सिव वेव है और जो भी करेक्शन हो रहे हैं, यहाँ देखिए एक माइनर सा करेक्शन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में है चाहे हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। अब मैं कुछ ड्रॉइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ, तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। तो यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 48,200 से 48,500, जो आने वाले वीक में एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो इसका अगला टारगेट जो आएगा 49,500 या उससे ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि टारगेट किसी भी चार्ट पैटर्न के या टेक्निकल स्टडीज के आधार पर मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और रीसेंट प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक बुलिश फ्लैग का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। और उसके बाद आप देखिए ये मैंने फ्लैग को जो ड्रॉ किया है, सारी कैंडल इसके अंदर में है, तो जैसे ही ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आने वाले वीक में यहाँ देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग है और उसके बाद में प्राइस में बाई आई है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ये पहले रेजिस्टेंस था, तो 47,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, डोजी तो नहीं है, स्पिनिंग टॉप का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनी तो गैप अप ओपन होने के बाद कैंडल बनी और ईएमए 21 को डिफेंड किया इसने। तो 47,000 से 47,500 का ये जो जोन है वो अपने आप में एक सपोर्ट जोन के रूप में आने वाले वीक में काम करने की संभावना है। अब ईएमए 21 की वैल्यू देखें तो 47,465.62 है, तो वो भी इसी जोन में आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये डिमांड जोन हो गया। अब अपसाइड की बात करें तो ये हमने सप्लाई जोन देखा, क्योंकि तो प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये सप्लाई जोन है और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर क्या संभावना बनेगी, तो चलिए इसे मेजर करते हैं और इसे प्रोजेक्ट करते हैं बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट से। तो टारगेट जो है दोस्तों वो 50,478 यानी 50,500 का टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम वेव एनालिसिस के अनुसार देखें तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है 48,500 का तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो क्या टारगेट आता है, ये देखिए टारगेट इसका जो निकल के आता है वो आता है, ये मैंने मेजर किया तो वो आता है 49,500। तो हम बोल सकते हैं 49,500 तक ये मैक्सिमम जा सकता है आने वाले वीक में, लेकिन उसके पहले इसको इस रेजिस्टेंस बैंड को 48,200 से 48,500 के बैंड को डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे रहा। इसके अलावा मोमेंटम को देखें बैंक निफ्टी में तो यहां पर क्लियर कट हमें मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है आरएसआई के ऊपर में,
और फोर्स इंडेक्स जो है पहले तो गिरा था बेरिश टेरिटरी में, लेकिन फिर से रिकवर होके वो बुलिश टेरिटरी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ना निफ्टी में और ना बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम। ये इंडेक्स जो है 21,300.7 पे क्लोज हुआ और इस तरह से ये वीक ऑन वीक बेसिस पे इसमें गिरावट दर्ज की गई 0.99%। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन हमें दिखता है जैसा बैंक निफ्टी में भी चर्चा किया। प्राइस स्ट्रगल कर रही है कई वीक से इस लेवल के ऊपर में जाने पे और एक नैरो बैंड में कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये प्रायर इंपल्स का ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा जो फिन निफ्टी को काफी हाई लेवल पे प्रोपेल कर सकता। कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस के पिवट्स को ज्वाइन करके ड्रॉ की गई है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और अब ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, क्वाइट ऑब्वियस है। तो यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो कोई ऐसा वीक नजर नहीं आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं, सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन। प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है और इस जगह पे सपोर्ट ले रही है। इस ब्रॉडर रेंज में कई दिनों से फिन निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा जो प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है तो 21,100 से 21,200 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो डिमांड एरिया है। और ईएमए 21 की आज की डेट में जो वैल्यू है वह 21,222। तो इसका मतलब ये एक डिमांड जोन के रूप में ऐड करने की संभावना है। बैक टू बैक 2 दिन के प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें, मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो हमने वीकली चार्ट में खींची एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। तो आने वाले वीक में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 21,550 से 21,600 का ये जोन, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर अगला टारगेट इसका 21,850 एंड देन 22,000 का होगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। यहाँ भी आरएसआई को देखें तो आरएसआई में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी क्लियर नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी ये करेक्शन जो है ये शैलो करेक्शन है, रादर टाइम करेक्शन है और पुल बैक जो है वो शैलो नेचर का है और इस जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बुल मार्केट का। स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का वीडियो हम पिछले 3 सालों से हर शनिवार के दिन लेके आते हैं। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, इन्हें आप एंड ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। और उद्देश्य है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखना और अगले वीक की तैयारी करना। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि जब भी हम इस स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन को मैं एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं, जिससे जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं खास करके शुरुआती लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस को इस प्रोसेस में सीख सके। वैसे तो कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियोस हैं चैनल के ऊपर में, चैनल के होम पेज पे पॉडकास्ट पे क्लिक करें और जीरो टू हीरो की मेन प्लेलिस्ट है, रिवीजन प्लेलिस्ट है, मास्टर क्लासेस हैं जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।